हेलो डियर लर्नर्स इन टूडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन देखिए आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन के बारे में तो ये जो थ्योरी दिया गया था दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द साइंटिस्ट एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज मोटो कायम्यूरा तो मोटो कायम्यूरा में न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मोलिकुलर एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करा हुआ है अब मैं दो पॉइंट पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो थ्योरी दी गई है यहाँ पर ये एंटी डार्विनियन थ्योरी नहीं है थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है क्योंकि बीच में जब मैं डिस्कस करूँगी तो थोड़ा सा डार्विन के कॉन्सेप्ट आएंगे लेकिन आप ये समझिए कि म्यूरा का न्यूट्रो थ्योरी ऑफ मोलिकुलर एवोल्यूशन ये एंटी डार्विनियन नहीं है और दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि म्यूरा फोकस करता है कि जो भी म्यूटेशंस न्यूट्रल होती हैं न्यूट्रल म्यूटेशंस जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन कि मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन के लिए भाई न्यूट्रल म्यूटेशंस जो हैं दे आर इम्पॉर्टेंट सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थियोरी लार्ज फ्लैक्शन ऑफ न्यू म्यूटेशन डू नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन एवोल्यूशनरी फिटनेस सो नेचुरल सिलेक्शन वुड नीदर फेवर और डिसफेवर देम ये बोलता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो ना तो एवोल्यूशन को फेवर करती है और ना ही उसको डिसफेवर करती है क्यों क्योंकि जो भी लार्ज फ्रैक्शन न्यू म्यूटेशंस का होगा वो न्यू म्यूटेशंस जो भी हैं उनका एवोल्यूशनरी फिटनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसीलिए जो नेचुरल सिलेक्शन है ना तो वो फेवर होगी और ना ही वो डिसफेवर होगी ईच ऑफ दीज न्यूट्रल म्यूटेशन वुड बी स्प्रेड थ्रू आउट ए पॉपुलेशन एंड दे बिकम फिक्स इन ऑल ऑफ इट्स मेम्बर और दे वुड बी लॉस्ड इंटायरली इनिक प्रोसेस विच इज नोन एज जेनेटिक ट्रिफ्ट अब ये बोलने की कोशिश करता है कि जो भी न्यूट्रल म्यूटेशंस हैं वो जब पॉपुलेशन में स्प्रेड होती हैं उसके बाद वो पॉपुलेशन के मेंबर्स में क्या होंगी फिक्स हो जाएंगी या फिर ऐसा हो सकता है कि जब जेनेटिक ड्रिफ्ट देखा जाए तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के दौरान ये जो न्यूट्रल म्यूटेशंस हैं ये क्या हो सकती हैं लॉस्ट हो सकती हैं तो दो पॉइंट यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है या तो ये न्यूट्रल म्यूटेशन पॉपुलेशन में फ़िक्स हो जाएंगी या फिर अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है तो ये जो न्यूट्रल म्यूटेशंस हैं ये क्या हो सकती हैं लॉस्ट हो सकती हैं चलिए नेक्स्ट पॉइंट को मैं बत, बताती हूँ कि कायम्यूरा शोड दैट द रेट एट विच न्यूट्रल म्यूटेशन बिकम फिक्सड इन ए पॉपुलेशन जिसको कि हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन रेट देखिए एक सब्सटीट्यूशन रेट होता है और एक म्यूटेशन रेट होता है अगर सब्सटीट्यूशन रेट की बात की जाए तो मतलब जो न्यूट्रल म्यूटेशन है वो किसी पॉपुलेशन में क्या हो रही हैं किस रेट पर वो उस पॉपुलेशन में फिक्स हो रही हैं इसको आप क्या बोलेंगे सब्सटीट्यूशन रेट बोलेंगे और काइम्यूरा के अकॉर्डिंग जो सब्सटीट्यूशन रेट होता है दैट इक्वल होगा टू द रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ द न्यू म्यूटेशन इन ईच मेंबर ऑफ देशन मतलब कि म्यूटेशन रेट के बराबर होता है जो भी substitution रेट है न्यूट्रल म्यूटेशन का वो म्यूटेशन रेट के equivalent रहेगा और बराबर रहेगा provided that mutation rate is consistent across the species and the substitution rate would remain constant throughout the tree of life matlab is slide mein ye focus kar raha hai kaimura ki jo bhi substitution rate hai jo bhi न्यूट्रल म्यूटेशन का फिक्सेशन है population में वो कैसा रहता है constant रहता है इसी तरह से अगर मैं इस theory को summarize करने की कोशिश करूं तो समरी क्या बोलती है दिस न्यूट्रल थ्योरी क्लेम दैट ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस एट द मॉलिक्यूलर लेवल आर नॉट कॉज्ड बाय सिलेक्शन एक्टिंग ऑन एडवांटेजियस म्यूटेंट मतलब कि एवोल्यूशन के पीछे का कारण वो सिलेक्शन नहीं है जो एडवांटेजियस म्यूटेंट को फेवर करती है बट द रैंडम फिक्सेशन ऑफ सिलेक्टिवली न्यूट्रल और वेरी नियरली न्यूट्रल म्यूटेंट्स थ्रू द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ सैम्पलिंग ड्रिफ्ट अंटर द कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ द न्यू म्यूटेशन मतलब इस थ्योरी का समरी यही बोलता है कि भाई जो भी एडवांटेजियस म्यूटेंट है या जो भी सिलेक्शन है जिसकी वजह से एडवांटेजियस म्यूटेंट बनते हैं दैट इज़ नॉट द कॉज ऑफ़ दी एवोल्यूशनरी चेंज जबकि एवोल्यूशनरी चेंज के पीछे का जो एग्जैक्ट रीज़न है वो रेंडम फिक्सेशन है सेलेक्टिवली न्यूट्रल या वेरी न्यूट्रल म्यूटेंट्स का तो आप प्लीज ध्यान रखना है पूरी थ्योरी में आपको एक ही पॉइंट मिलेगा कि न्यूट्रल म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इसी तरह से जो भी हमारा न्यूट्रल म्यूटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है इट प्रिडिक्ट रेट एट विच सब्सटीट्यूशन एकट एट अ पर्टिकुलर पोजिशन इन द जीनोम इट इज़ इक्वल टू द म्यूटेशन रेट मतलब कि सब्सटीट्यूशन रेट और म्यूटेशन रेट ये दोनों कैसे होते हैं इक्वल होते हैं एज लॉन्ग एज ऑल द म्यूटेशन एट दैट पोजिशन आर स्ट्रिक्टली न्यूट्रल दैट इज दे हैव नो इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म फिटनेस मतलब कि न्यूट्रल थ्योरी में सब्सटीशन रेट और साथ में म्यूटेशन रेट दोनों क्या होंगे बराबर होंगे और इसका ऑर्गेनिज्म की फिटनेस के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है न्यूट्रल म्यूटेशंस का इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं हालांकि बहुत से एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हैं जो न्यूट्रल थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्ज़र्वेशन जो है वो ये थ्योरी प्रोवाइड करती है जैसे कि देखिए जैसे कि जब म्यूटेशन होती हैं तो म्यूटेशन में सिनोनिमस बेस सब्सटीट्यूशन होगी सिनोनिमस बेस सब्सटीट्यूशन बोलने का मतलब ये होता है कि जब भी म्यूटेशन होगी तो एमिनो एसिड में कोई भी चेंज नहीं होगा तो सिनोनिमस बेस सब्सटीट्यूशन मतलब कि म्यूटेशन कैसा हुआ न्यूट्रल म्यूटेशन हुआ और जो भी ये म्यूटेशन होती हैं सिनोनिमस बेस सब्सटीट्यूशन होती हैं ये हायर या फास्टर रेट पर होती हैं कम्पेरिटिव टू नॉन सिनोनिमस सब्सटीट्यूशन तो फर्स्ट एविडेंस हमारे पास क्या आ रहा है कि सिनोनिमस बेस सब्सटीट्यूशन मतलब कि जो न्यूट्रल बेस सब्सटीट्यूशन हैं उनका रेट फास्टर होता है कंपेरिटिव टू नॉन सिनोनिमस सब्सटीट्यूशन तो फर्स्ट इवेंट ये है सेकेंड पॉइंट आपने देखना है कि ज़्यादातर जो म्यूटेशन होती हैं या फास्टर रेट या हायर रेट से होती हैं वो एक्चुअल में इंट्रॉन्स पर ज़्यादा होती हैं अब इंट्रॉन्स क्या होते हैं दीज आर द नॉन कोडिंग सिक्वेंसेस हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस पर कोडिंग सिक्वेंसिस के कंपैरिजन में ज्यादा या फास्टर या हाइयर रेट ऑफ म्यूटेशन देखने को मिलता है थर्ड पॉइंट क्या है स्यूडोजीन्स दे अराइज एट अ वेरी हाई रेट एज कंपेयर टू द फंक्शनल जीन तो जो भी स्यूडोजीन्स होते हैं या फॉल्स जीन होते हैं उनका राइज हाई रेट पर होता है कंपेरेटिव टू फंक्शनल जीन तो तीन पॉइंट आपने यहां से ध्यान रखने हैं कि सिनोनिमस बेस सब्सटीट्यूशन आर मोर देन द नॉन सिनोनिमस वन म्यूटेशंस इन नॉन कोडिंग सेक्शन और सीक्वेंसेस दे आर हाई एज कंपेयर टू कोडिंग सीक्वेंसेस एंड द सीडो जीन्स फॉर्मेशन इज हाई रेट एज कंपेयर टू फंक्शनल जीन ये तीनों ही पॉइंट न्यूट्रल थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को सपोर्ट कर रहे हैं अब न्यूट्रल थ्योरी जो है इसका इम्पॉर्टेंट फ़ायदा क्या है या फंक्शन क्या है इट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फाउंडेशन ऑफ मॉलिक्यूलर क्लॉक टेक्निक तो जो भी मॉलिक्यूलर क्लॉक टेक्निक है उसमें न्यूट्रल थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड विच एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट यूज टू मेज़र हाउ मच टाइम हैज़ पास सिंस द स्पीसीज डाइवर्स फ्रॉम अ कॉमन एट्सटर और इससे हमें मॉलिक्यूलर क्लॉक से हमें ये पता चलेगा कि जब भी कोई नया स्पीशीज अपने एनसेस्टर से डाइवर्ज होता है तो उसकी डाइवर्जेंस में कितना समय या उस टाइम पीरियड को मेज़र करने के लिए हम मोलिकुलर क्लॉक को यूज़ करते हैं तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उस मॉलिकुलर क्लॉक को क्या करेंगे कैलिब्रेशन करेंगे कैलिब्रेशन मतलब कि उसका प्रॉपर जो ऑप्टिमम सेटिंग है उसको प्रोवाइड करेंगे अब चाहे आप स्ट्रिक्ट मॉलिकुलर क्लॉक यूज कर रहे हों या रिलैक्स्ड मॉलिकुलर क्लॉक यूज कर रहे हों जो कि जेनेटिक एनालिसिस में यूज होती हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आएगा कि हाउ टू कैलिब्रेट द मॉलिक्युलर क्लॉक टू कैलिब्रेट द मोलिकुलर क्लॉक वन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट एज किसी भी पर्सन को मॉलिकुलर क्लॉक को कैलिब्रेट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी एप्सल्यूट एज है एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस इवेंट का वो एक्चुअल में कितना है अब एब्सल्यूट एज या एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई ग्रुप मेमरी या बर्ड्स में ब्रेक हो रहा है या स्प्रिट हो रहा है तो एग्जैक्ट उसका एब्सल्यूट एज जो है वो कितना है एन एस्टिमेट ऑफ द टाइमिंग ऑफ दिस इवेंट कैन बी है और ये हम कैसे स्टडी कर सकते हैं बाई स्टडी ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स सो इफ एवोल्यूशनरी रेट इज काउंटेड एंड दिस कैन बी अप्लाइड टू अदर ऑर्गेनिज्म टू नो द टाइमिंग ऑफ द एवोल्यूशनरी इवेंट्स तो अगर हमें एक ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी रेट या टाइमिंग पता चल जाए तो उसके कंपैरिजन में फिर हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म का भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि न्यूट्रल म्यूटेशन थ्योरी प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉलिक्यूलर क्लॉक और मॉलिक्यूलर क्लॉक टेक्निक से हमें क्या पता चलेगा जो भी एज है जो भी टाइमिंग है उसके बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेंशन करके देती हूँ जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ह्यूमन बीइंग है और साथ में सेकंड मेंबर जो है वो है औरंगटन तो भाई ह्यूमन बीइंग और जो औरटन इनके जो मोस्ट रिसेंट एनसेस्टर थे उनका टाइमिंग आता है थर्टीन मिलियन ईयर्स एगो का ठीक है जी जो भी ह्यूमन बीइंग है या औरंगटन है इनका जो टाइम पीरियड आता है इनके एंसेस्टर का वो थर्टीन मिलियन ईयर्स एगो का आता है तो मान लीजिए हमें इसके बेसिस पर जो मॉलिकुलर क्लॉक है उसे कैलिब्रेट करना है तो हम इनको कैलिब्रेट करने के लिए एक फार्मूला का यूज़ करेंगे और फार्मूला क्या होगा आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू टी एंड दैट वुड बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय टू इन टू थर्टीन अब यहाँ पर D क्या है T क्या है या R क्या है भाई R होता है रेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूशन T ऑब्वियसली टाइम ऑफ द मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर और ये टाइम हम मिलियन ईयर्स में लेते हैं और D की अगर मैं बात करूँ तो D क्या है प्रोपोर्शन ऑफ द बेस पेयर दैट डिफर बिटवीन द टू सिक्वेंसेज तो ये फॉर्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर टेक्निक में यूज किया जाएगा थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस न्यूट्रल थ्योरी ऑफ म्यूटेशन तो जो भी आपको पी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कोई भी कमेंट या कोई भी आपका डाउट हो तो वो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच